हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एहसास हमारे खाने का। फ्रेंड्स, आज एक एकदम अलग और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है मखाने की सब्जी बनाना। तो मखाने को आपने बहुत ही तला हुआ बनाया है, आज तक खाया है, जब भी खाया है पहले उसे तलते हैं फिर उसे डालते हैं, तो इतना तेल अब्जॉर्ब हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है लेकिन बाद में इससे न जाने कितनी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम मखाने को नए तरीके से बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने ये मखाना लिया है, इसको साफ़ कर लिया है। इसके साथ ही हमने, आप चाहे आलू को छील के काट लें कच्चे ही, चाहे जो है आप उबाल के काट लें, यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने आलू को उबाल के काट के रख लिया है। साथ ही फ्रेंड्स, हमने इसके लिए कुछ मसाले भी ऐड किए हैं। ये देखिए, आलू मैंने काट के रख ली है। मसाले हमने ये लिए हैं, नमक लिया है एक चम्मच, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी। तो हल्दी आप जो है अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा सब्ज़ी बना रहे हैं तो एक चम्मच भी कर सकते हैं, हम थोड़ी सब्ज़ी बना रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा लिया है। इसमें मैंने तैयार किया है प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, इसमें दो बड़े टमाटर लिए हैं और प्याज दो ली है मीडियम साइज़, लहसुन की छः कलियाँ ली हैं, अदरक एकदम छोटा पेस्ट लिया है। तो इसको हमने मिक्सी में, आप या चाहें तो मिक्सी में एक महीन पेस्ट बना लें, हमें दरबरा पेस्ट चाहिए तो हमने, हमारे पास एक मशीन है जिसे हाथ से चलाते हैं, उसे मैंने, इसे दरबरा मसाला बना लिया है। तो इन सबको डालने से पहले भगोने में तेल गर्म करेंगे और उसमें सबसे पहले एक तेज़पत्ता डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, भगोने में तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं भी निकल रहा है, तो हमने तेज़पत्ता डाल लिया। साथ में हमने ये प्याज लहसुन वाला पेस्ट डाल दिया, साथ ही में हमने ये मसाले डाल दिए और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे पका लेते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे। और जब ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब जो है हम इनमें आलू डाल के इसे फ्राई करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स ये मसाला पका या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से तेल बाहर आने लगा है, बहुत ही अच्छे से मसाला पक चुका है। अब इसी में हम इस आलू को मिक्स कर देते हैं। इसे, ये उबली आलू है इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना। साथ ही हम ये मखाने भी डाल देते हैं। इसमें भूनने के बाद मैंने इस ग्लास से एक ग्लास पानी पहले डाल दिया है, आधा ग्लास आप देख सकते हैं ये है, बस इतना ही पानी डालेंगे, गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बनाएंगे और ये खूब खौल जाए तो गैस बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कम तेल में बनने वाली मखाने की एक स्पेशल सब्जी है जो बिल्कुल नुकसान भी नहीं करेगी और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है, और ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे के लेटेस्ट वीडियो आप ऐसे ही देखते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली कितनी बड़ी होती जा रही है ना, न जाने कितने यूट्यूबर, न जाने कितने लोग कितनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और कुछ जो स्ट्रगल करते रहते हैं उन्हें तो बस आप सब लोगों के सपोर्ट की इतनी ज़रूरत होती है कि लगता है कि बस पहले आप हैं फिर हम हैं और हमारी मेहनत है। फ्रेंड्स, आगे की लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।